नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आप खबरें अन्य राज्यों से। नवरात्रि के पावन अवसर पर देवास की प्रसिद्ध तुलजा भवानी और चामुंडा माता के मंदिर, जिसे टेकरी के नाम से भी जाना जाता है, पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। 3 लाख से अधिक भक्तों ने माता के दर्शन किए। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता का दरबार 24 घंटे खुला रहता है, जिससे हर समय भक्त माता के दर्शन कर सके। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और सुगम यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान लागू किया। शहर के बाहर ही वाहनों को रोक दिया गया और सभी पार्किंग स्थल पूरी तरह भर गए। माता टेकरी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने व्यवस्था संभाल ली और सुनिश्चित किया कि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता का मंदिर टेकरी पर स्थित प्रसिद्ध रक्तपीठ है, जो भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता से दर्शन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देवास से धर्मेंद्र योगी की रिपोर्ट। आज जो माता टेकरी पर क्राउड जो दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या आई है। किस तरह से पुलिस व्यवस्था को बनाने में वो प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है, किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। टेकरी माता पे सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं। बड़ी माता छोटी माता के दर्शन लोग बहुत ही उत्साह के साथ में कर रहे हैं। जैसा कि अपेक्षित रहता है कि शनिवार की रात है, छुट्टी का दिन है, तो काफी क्राउड इंदौर और अन्य जिलों से आता है। लगातार अभी भी क्राउड का आवागमन चालू है। अतः करीबन 4-5 लाख के आसपास पूरे दिन में दर्शन किए गए होंगे, ऐसा अनुमान है। और अभी भी लगातार लोगों का आना जारी है। आने वाले टाइम में जो सप्तमी अष्टमी, अभी नवरात्र का समय काफी बाकी है, उसको लेकर क्या प्रशासन की व्यवस्था, आज जिस तरह से क्राउड मैनेज किया गया, उसी तरह आगे भी देखने को मिलेगा? इसी तरीके से व्यवस्था रहेगी, क्योंकि क्राउड एकदम से ही आता है, फ्लश क्राउड रहता है। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था पूर्व से लगा के रखी हुई है और पूरा हमारा बैरिकेडिंग होल्ड अप एरिया, और सभी लोग बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी सर पुलिस के अलर्ट पर